गाय का ताजा गोश्त 400 रुपए किलो। आप ये देख सकते हैं कोई पानी कानी नहीं है, कुछ पानी नहीं निकल रहा, बिल्कुल सही है। भाई ये बताइए गोश्त कितना ताजा, 6-7 सुथरा है, इतना सस्ता कैसे बेच रहे हैं? गाय का ताजा गोश्त सेल लगाई हुई हमने 400 रुपए किलो। असलाम वालेकुम, आज हम लोग मौजूद है औरंगी टाउन 12 नंबर मेन चौराहे के ऊपर। यहाँ पे गोश्त मार्केट है और यहाँ पे गोश्त सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है 400 रुपए किलो। चल के पूछते हैं यहाँ पे गोश्त इतना सस्ता कैसे मिलता है, गाय का भी है जिंदा भी है क्या है, पूरी मार्केट हमारे पास, और चल के एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे गोश्त इतना सस्ता कैसे मिल रहा है और गोश्त की क्वालिटी क्या है। हम अभी खड़े हैं नदीम बीफ सेंटर के पीछे। नदीम बीफ सेंटर पे आप पीछे देख सकते हैं 400 रुपए गोश्त है। चले चलिए इनसे पूछते हैं गोश्त इतना सस्ता कैसे है। आइए हमारे साथ, ये देखें गाय का ताजा गोश्त 400 रुपए किलो। और आप ये देख सकते हैं कोई पानी कानी नहीं है, कुछ पानी निकल रहा, बिल्कुल सही है। जनाब कैसे हैं, खैरियत से? बेहतरीन है, अल्लाह का शुक्र है। भाई ये बताइए गोश्त कितना ताजा, 6-7 सुथरा है, इतना सस्ता कैसे बेच रहे हैं? गाय का ताजा गोश्त सेल लगाई हुई हमने 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो हड्डी वाला, 400 रुपए किलो। और बगैर हड्डी का? बगैर हड्डी का 800 रुपए किलो। बगैर हड्डी का 800 रुपए किलो। ये क्या खीरी है? खीरी गोश्त कर दिया, गोश्त है सीने के ऊपर का। अच्छा अच्छा, ये सब 400 रुपए किलो है। जी जी। अच्छा इसके अंदर ये बलवल आराम से जाता है? हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह ग्राहक की कोई शिकायत नहीं आई है कस्टमर की हमारे पास। अच्छा चलता भी आराम से है और होता ही किसका, गाय का भैंस का? गाय का, गाय का, गाय का गोश्त होता है ये। सही। और ये हड्डियाँ क्या किलो दे रहे हैं? हड्डियाँ 200 रुपए किलो दे रहे हैं। हड्डियाँ 200 रुपए किलो दे रहे हैं। और गुर्दा फेफड़ा कलेजी उसके अंदर भी कोई डिस्काउंट है? हाँ बिल्कुल, डिस्काउंट के साथ बेच रहे हैं हर चीज। अच्छा उसका क्या रेट है? 300 रुपए किलो है, खीरी 200 रुपए किलो है जी, कलेजी 400 रुपए किलो है जी। अच्छा, और अपना एड्रेस भी लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे आना हो तो कैसे आ सकते हैं, एड्रेस क्या है आपका? भाई ये तो हमारा औरंगी टाउन 12 एल जी मेन चौराहे। सही है, नदीम कुरैशी। सही है, नदीम कुरैशी साहब, हमने आपको बोर्ड दिखाई दिया था इनका, नदीम कुरैशी। हाँ नदीम कुरैशी की ले लो तस्वीर, जरा भाई है हमारा, उसको जरा फेमस कर दो। सही है, ठीक है। अच्छा फोन नंबर भी बताएंगे अपना? फोन नंबर लिखा हुआ ना आगे देखे, वो भी लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ, देखे आप। सही है, फोन नंबर भी आ गया। अच्छा और टाइमिंग क्या है आपके? सुबह 8 से रात 8, सुबह रात से 8-8 बजे तक। हाँ जी। अच्छा पूरी मार्केट में मैंने देखा हर जगह ये रेट है? बिल्कुल, ये भी 400 रुपए किलो ही बेच रहे हैं। अच्छा जी जी, ये पूरी मार्केट के अंदर ही 400 रुपए सेल लगाई हुई, सेल लगाई। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा कौन से दिन ऑफ होता है यहाँ पे, कितने? मंगल और बुध छुट्टी है। मंगल बुध छुट्टी, और टाइमिंग क्या है? सुबह 8 रात 8, सुबह 8 से रात 8 बजे तक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई। ओके यार, एक दुकान पे तो हम जा चुके थे और दुकान पे भी जाके देखते हैं कि वहाँ पे भी गोश्त 400 रुपए किलो मिल रहा है या एक आध दुकान भी 400 रुपए किलो मिलता है। देखिए यहाँ पे भी सब ये गोश्त लगा हुआ है और आप देख सकते हैं बिल्कुल ताज़ा सूखा गोश्त है, गीला गोश्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खरी से अलहमदिल्ला, बिल्कुल ठीक ठाक भाई। गोश्त क्या किलो दे रहे हैं? भाई बगैर हड्डी का 800 रुपए और हड्डी वाला? हड्डी वाला 500 रुपए। अच्छा ये बताइए गोश्त गलने में प्रॉब्लम तो नहीं होती? आराम से गल जाता है? आराम से गल जाता है ये गोश्त बड़े भाई। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा बड़े जानवर का है लेकिन अच्छा गोश्त है। अच्छा गोश्त, अच्छे बड़े जानवर का, तंदुरुस्त जानवर का, बिल्कुल जो हेवी जो 5-10 किलो दूध देने वाली जो जानवर होते हैं जी जी जी, ये उस जानवर का गोश्त है। अच्छा। ये कमजोर जानवर का गोश्त नहीं है, ये मैं खुद अपने घर में खाता हूँ। अच्छा आप भी अपने घर में खाते हैं? जी जी, ये गोश्त मैं अपने घर में रोज पकाता हूँ, कभी बोटी कभी कीमा कभी शामी कबाब कभी कोफ्ते। अच्छा रोज मैं इस गोश्त को खाता हूँ भाई। सही है, और इस गोश्त के अंदर बीमारी भी नहीं है, बड़े का गोश्त है इसके अंदर बीमारी भी नहीं है। सही है, ठीक है। गाय का जो बच्चे का गोश्त होता है उसके अंदर बीमारी होती है। अच्छा शुगर ब्लड प्रेशर वाले के लिए बहुत नुकसान करता है, और ये कच्चे का गोश्त है, बहुत जबरदस्त गोश्त है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हाँ तो यार ये भी एक गोश्त की दुकान है और यहाँ पे आपको गोश्त की दुकान इतनी खासी मिल जाएंगी। एक देखें सामने मिराज कराची बीफ कॉर्नर, मिराज कराची बीफ कॉर्नर पर चलता है, यहाँ पे भी देखते हैं गोश्त की क्या रेट है। तो मिराज कराची बीफ कॉर्नर पे भी गोश्त जो है वो 400 रुपए किलो मिल रहा है, और आवाम पर देख सकते हैं यहाँ पे, ये इलाके की पहली दुकान है, मेन रोड के बिल्कुल साथ है, तो आप देख सकते हैं कि इतनी रश ज्यादा भी यहाँ पे। इस दुकान पे पूछते हैं भाई क्या रेट है गोश्त का। भाई गोश्त का क्या रेट है आप बताएंगे जरा? अच्छा गोश्त की क्वालिटी वगैरह तो हमें अच्छी दिख रही है लेकिन खाने में भी पकाने में भी आसान होता है। ये देखें यार साफ सुथरा गोश्त। भाई आप भी यहाँ से गोश्त लेके जाते रहते हैं? क्वालिटी कैसी है? अच्छी है मसले। अच्छा कुछ मसला नहीं होता, गल भी आराम से जाता है? सही है, ठीक है। भाई आप भी लेके जाते हैं तो गोश्त? हाँ लेके जाते हैं। कैसी क्वालिटी है? सही है।
कब से लेके जा रहे हैं गोश्त? हफ्ते में लेके जाते हैं एक दफा। चलिए ठीक है, ये देख ले सामने गोश्त की कढ़ाई हो रही है। आज हमने ये औरंगी टाउन की गोश्त मार्केट का विजिट किया, आपको दिखाया पूरी मार्केट थी जहाँ पे गोश्त सब मिल रहा था 400 रुपए किलो। तो हमें तो गोश्त मुनासिब लगा, सही लगा, पानी वाला भी नहीं था। अगर आप हमारी वीडियो लाइक करें तो हमें शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और नए आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नई वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।